हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट, या जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। सो फ्रेंड्स, इन टुडे वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टेबल की ट्रिक हम देखेंगे इस वीडियो में, कि जो नंबर सिस्टम का आपका टेबल है कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 2 में, उसको आप कैसे लर्न करें। क्योंकि अपन को क्या होता है, टेबल लर्न ही नहीं हो पाता, बाइनरी की डिजिट 0 0 0 1 1 1, तो इन सभी चीज़ों को लर्न करने का ट्रिक इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो सबसे पहले जो मैं ये टेबल बना रहा हूँ, इस टेबल को बोलते क्या है, नंबर सिस्टम टेबल। क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम टेबल। तो सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, क्योंकि ये जब नंबर कन्वर्जन आता है कि बाइनरी नंबर को आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, या ऑक्टल को कन्वर्ट करो बाइनरी में या डेसिमल में, जो भी आपको आता है कन्वर्जन, तो आपको टेबल भी उसके लिए बनाना जरूरी है हर क्वेश्चन में, अदरवाइज आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो उस टेबल को लर्न कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, आपकी कॉपी में ऐसा बॉक्स बना लेना है जिसमें आपको एक तरफ नंबर लिख लेने हैं, कहाँ तक लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक। फिर बाइनरी का एक टेबल बनाना है, हेक्साडेसिमल का, डेसिमल का और ऑक्टल का, क्योंकि अभी आपको क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 में 4 कन्वर्जन आपको सिखाए हैं, ठीक है। तो उन्हीं सभी के टेबल यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइनरी से। तो बाइनरी का कैसे बनाना है, तो आपको बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे 8 बार जीरो लिखते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार जीरो लिख दिया। अब 8 बार वन लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करना है, अब आपको 4 बार जीरो लिखना है, 1 2 3 4। अब 4 बार वन, वन 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 वन, 4 बार वन लिख दिया। अब वापिस से आपको जीरो लिख देना है, 1 0 0 0 0, देन वन 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 और वन। अब क्या करना है, अब आपको दो दो लिखना है, 2 बार जीरो 2 बार वन, 1 2 1 1, 1 2 1 1, 1 2 1 1, 1 2 1 1, 2 बार जीरो लिखा 2 बार वन लिखा। अब क्या करना है, अब आपको 1 बार जीरो 1 बार वन, 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 1 बार जीरो 1 बार वन। तो ऐसे आपको पूरा बाइनरी का टेबल तैयार कर लेना है, क्योंकि सिंपल है, ऐसा कोई भी डिफिकल्ट है नहीं। क्या करा हमने, सबसे पहले 8 बार जीरो लिखे, फिर उसके बाद 8 बार वन लिख दिया, देन 4 बार जीरो लिखे, देन 4 बार वन लिख दिया, और चलते रहे 16 तक, देन 2 बार जीरो लिखा 2 बार वन लिखा, और चलते रहे 16 तक। देन हमने क्या करा, जीरो लिखा वन लिखा, जीरो लिखा वन लिखा, ऐसे ही हम 16 तक ऐसे करते रहे। तो बाइनरी ये देखो कितना सिंपल है, क्योंकि ये टेबल आपसे कोई पूछता नहीं है। मैम मैम नहीं पूछती कि डेसिमल की 6 पे बाइनरी की क्या वैल्यू होगी, आपको टेबल ड्रॉ करने को आता है एग्जाम में, और ऐसा नहीं बोलेंगे नंबर सिस्टम का टेबल ड्रॉ करो। आपको कन्वर्जन जब बोलेंगे बाइनरी से हेक्सा, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, तो इनमें आपको कन्वर्जन, ये जो नंबर सिस्टम का टेबल ये ड्रॉ करके आना है, अदरवाइज मार्क्स कट होंगे, ठीक है। तो ये नंबर बाइनरी हमने देख लिया, अब हेक्साडेसिमल। आई होप कि ये ट्रिक तुमको समझ में आ गई होगी। अब हेक्साडेसिमल सिंपल ही है, क्या लिखना है, हेक्सा बेस 16 होता है इसका, तो क्या लिखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक लिखा कि आपको ए बी सी डी शुरू कर देनी है, एफ तक, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल हो गया। अब डेसिमल, डेसिमल तो सिंपल ही है, 0 से लेकर 15 तक गिनती लिख दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये हमने क्या करा, 11 पूरी 0 से लेकर 15 तक गिनती लिख दी। बहुत सिंपल ट्रिक है, आपको बाइनरी 8 बार जीरो 8 बार वन, 4 बार जीरो 4 बार वन, 2 बार जीरो 2 बार वन, 1 0 1 1, ये पूरा ऐसा करना, 0 से 9 तक गिनती लिखना, ए बी सी डी ई एफ लिख देना, देन एग्जैक्ट डेसिमल में 0 से लेकर 15 तक गिनती, एंड ऑक्टल में क्या करना है, आपको 0 से लेकर 17 तक गिनती लिखना है, बट उसमें 8
और नाइन आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ऑक्टल है ना, तो आपको एट और नाइन नहीं लिखना है। तो क्या लिखोगे? 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिखा कि आपको क्या कर देना है, 10 शुरू कर देना है, 10 11 12 13, है ना। तो पूरी 7 आपने, 8 और 9 नहीं लिखा है, बाकी 10 11 12 13 14 15 16 17 ये पूरा लिख लिया है। तो ऐसा आपका पूरा नंबर सिस्टम का टेबल तैयार हो गया है। तो आई होप कि तुमको बहुत ही सिंपल तरीके समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करना, कमेंट करोगे मैं आंसर दे दूंगा जो भी आपको डिफ़िकल्टी होगी। सो आई होप कि तुमको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, इट मोटिवेट्स अस फॉर मेकिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।